हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन कुमार सिंह है। ऑब्वियसली अपना दूसरा प्रिपरेशन कर रहा था। मुझे पापा ने मेरे सजेशन दिया था कि MCA करके भी होता है, तुम एक बार उसको देख लो। टॉपिक डाउट के थे, उसके बाद मैंने सर के मैजिकल कैप्सूल से पढ़ा था। एक माइंड में सेट हो चुका था कि हाँ, अगर लेंगे तो NIT, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए एक और टॉपर से मिलते हैं, नेमसेट 22 के, जिनका ऑल इंडिया रैंक 39 है, अमन, जो कि वाराणसी यूपी से हैं। तो अमन, सबसे पहले तो आपको ऑल इंडिया 39 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो अमन, आज आप यहां पर हो, आपका एक जूम सेशन तो मैं ले चुका हूं, अब आपका लाइव सेशन ले रहा हूं, क्योंकि अवार्ड सेरेमनी में आप आए हो। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी सक्सेस जर्नी को, इंटायर सक्सेस जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करोगे वो बताओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन कुमार सिंह है। जैसे कि सर ने बताया, मेरा ऑल इंडिया रैंक 2022 में 39 है और मुझे TRICI अलॉट हो गया है। तो मेरी जर्नी एक्चुअली NIMCET के लिए मेरे सेकंड ईयर से स्टार्ट होती है। तो मैं ऑब्वियसली अपना दूसरा प्रिपरेशन कर रहा था जिसके लिए मुझे करना था, लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आपको PG करना चाहिए, इसके लिए आप अगला कोर्स देख लें। तो फिर मैंने काफ़ी सर्च किया, तो मेरे पापा ने मेरे सजेशन दिया था कि MCA करके भी होता है, तुम एक बार उसको देख लो। तो ऑब्वियसली फिर मैं उस पर सर्च किया, काफ़ी मतलब पता चला कि हाँ, NITs में भी कंप्यूटर के कोर्स चलते हैं, BTech के अलावा, BTech CS के अलावा। तो फिर मैंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद फिर मैं अपने इस गोल से हट के फिर दूसरे जिस पे फोकस कर रहा था उसी में मैंने कंटिन्यू किया। फिर ऑब्वियसली कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और घर चले गए। तो फिर थर्ड ईयर के लास्ट में जब 2021 का फॉर्म आया, तब फिर फॉर्म भरे, फिर एग्ज़ाम, तो वैसा कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया था, बस सेल्फ स्टडी किया था और हाँ, RD शर्मा के जो ऑब्जेक्टिव लगा सकता था लगाया। उसके बाद जो भी हाँ टॉपिक डाउट के थे, उसके बाद मैंने सर के मैजिकल कैप्सूल से पढ़ा था। तो 2021 में तो मेरा कुछ खास रैंक था नहीं, 1000+ समथिंग रैंक था, मुझे कुछ मिलता नहीं। उसके बाद मैंने JNU, BHU और DU के फॉर्म भरे थे, लेकिन फिर एक माइंड में सेट हो चुका था कि हाँ, अगर लेंगे तो NIT, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिना कुछ ज़्यादा सोचे, या इसलिए भी नहीं सोचा क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट था कि हाँ, क्या तुम कर सकते हो, तुमको लग रहा है तुम कर सकते हो, तो तुम एक चांस दो, कोई चांस देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उतना फिर ड्रॉप मैं लिया, और उतना मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर भी नहीं था या कुछ ऐसा कि हाँ, डरे कि मतलब एक साल वेस्ट होगा, वैसा कुछ लगा नहीं। तो मैं ड्रॉप लेके एक साल सर के साथ तैयारी किया, ऑनलाइन मैंने तैयारी की है, और ऑनलाइन में भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। सर हरदम मोटिवेट करते थे, हर चीज़ का मतलब अच्छा गाइडेंस मिला, प्रॉपर टाइम पे टेस्टिंग होता रहा, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आया। और ऑनलाइन के बाद मैंने 2022 का एग्ज़ाम दिया और अभी मेरा 39 रैंक आया है। और पहले तो इसके लिए मैं सर का और पूरे इम्पेटस टीम का थैंक यू कहूँगा, फिर अपने पेरेंट्स का और अपने फ्रेंड्स का, जिन्होंने मुझे काफ़ी मतलब मोटिवेटेड रखा और काफ़ी मेरे अराउंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि मैं उतना टेंशन ना लूँ और मुझे सही गाइडेंस दी। तो अमन ने, जैसा भी आपने सुना, अमन ने बताया कि फाइनल ईयर में क्योंकि सिंसियरली पढ़ाई नहीं की, इसलिए रैंक नहीं आ पाई, और 2009 से आप सीधे 39 रैंक पे आए। और अमन, जब आपने ड्रॉप लिया तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं था ना? 1000। तो अमन ने एक तो ड्रॉप लिया, तो आप स्पेशली ड्रॉपर्स स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे, और जो बच्चे सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में, क्योंकि आपने फाइनल ईयर में अगर बाई चांस सिंसियरली की होती, क्योंकि आपने ऑनलाइन रह के भी बहुत डिसिप्लिन में लास्ट ईयर प्रिपरेशन की, तो आपका क्या मैसेज होगा? तो जो अभी सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर में, उनको तो सेकेंड ईयर में उनको मैं बोलूँगा कि आप बेसिक से स्टार्ट करिए, NCERT की बुक लगाइए, उसके बाद अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छा, बेसिक्स आपका बहुत क्लियर है, अगर आप सेल्फ स्टडी से आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो एक बस आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज अल्टीमेटली बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पूरे प्रोसेस में कुछ है तो टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो हमें बताता है कि टेस्ट टाइम कैसे हम रिएक्ट करें, कैसा पेपर है, पेपर कभी ईजी कभी हार्ड, तो उस हिसाब से हम मार्क्स अप डाउन होंगे। जैसे इस साल काफ़ी हाई स्कोरिंग गया है और 2019 में काफ़ी लो स्कोर था, तो आप वो तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा। और ड्रॉपर्स के लिए मेरा सिंपल सजेशन है कि आप फ्यूचर का सोचिए, अभी एक साल जो आपको दिख रहा है वो शायद अभी के लिए बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन आगे जब आप एडमिशन ले लेंगे, आपको NIT मिल जाएगा, तब वो लगेगा कि यार एक साल तो कुछ नहीं था, ये तो बहुत सही डिसीजन था मेरा, और वो एक साल वेस्ट नहीं, काफ़ी मतलब आपको आगे फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, जैसे अमन ने बोला, और मैं एक बात सभी को बोलना चाहूँगा कि ये कौन सा कोर्स लेना है नहीं लेना है, ये सब डिसीजन आपके ऊपर है। अगर आप रेगुलर सेल्फ स्टडी में 5 to 6 साल पढ़ रहे हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत सफिशिएंट है।
पर अगर आप 4-5 बार रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं या टाइमली टॉपिक नहीं ज्वाइन कर कवर कर पा रहे हैं तो मैं कहूँगा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, और घर पे डिसिप्लिन नहीं हो रहा तो क्लासरूम, पर एनीवन कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइमली एक्शन नहीं लेंगे तो उसके रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो अमन, एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।